हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जैसे सर्दियाँ आते ही क्या होने लगता है कि हमारी बॉडी यानी कि हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई होने लग जाती है। आप चाहो जैसे कि आप अपने लिप्स को देख लो, आपके नाक, आपके गाल, आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो सर्दियों में क्या ड्राई होने लग जाती है। तो ये ड्राई की प्रॉब्लम ना बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस ड्राइनेस को हम कैसे इजीली ख़त्म कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है और आपके घर में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सर्दियों में आप अपनी ड्राई स्किन को सही कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ड्राई स्किन, आप जानती हैं कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। चाहे तो हम कोई भी क्रीम वगैरह, कोई भी मॉइस्चराइजर, कुछ भी यूज कर ले, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग जाती है। सर्दी आती है जैसे हमारे होंठ सूखने लग जाते हैं, इसी के साथ साथ नाक और गाल भी ड्राई होने लगते हैं और पपड़ीदार स्किन जो है वो बाहर आने लगती है। चेहरे के साथ साथ ही आपकी बॉडी भी, बॉडी का भी कुछ ऐसे ही हाल होता है कि आपकी बॉडी भी जो क्या होती है ड्राई होने लग जाती है। इस तरह की बेजान दिखने वाले स्किन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, बहुत ही इजी सी टिप्स बता रही हूँ। बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना हो, नारियल तेल यानी कि कोकोनट ऑयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। इसी के साथ साथ आपको ग्लिसरीन जो कि बहुत अच्छी होती है सर्दियों में, आप ग्लिसरीन यूज़ करें। अब यूज़ कैसे करना है इसके लिए मैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा है क्योंकि ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। नारियल का तेल जो है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा ही होता है, ग्लिसरीन है वो भी हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, ग्लिसरीन लेना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन है तो आप उसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हो जिनके ऑयली स्किन, और जिनकी ऑयली स्किन नहीं है तो वो नींबू को स्किप कर दे, नींबू यूज़ ना करें। क्योंकि नींबू क्या करता है, ऑलरेडी आपकी स्किन को ना ड्राई बनाता है। तो नींबू जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज़ करें। उसके साथ में आपको कोकोनट ऑयल लेना है, ग्लिसरीन लेनी है और विटामिन ई के कैप्सूल जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसी के साथ साथ ड्राई स्किन वालों को नींबू यूज़ नहीं करना है। तीनों चीज़ों, अब इसको बनाना कैसे है, आपको क्या करना है, एक किसी भी पैन के अंदर गर्म पानी का लेना है। गर्म पानी के अंदर आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, वो कटोरी का पानी के बीच में रखना है आपको, है ना। उसके अंदर आपको कोकोनट ऑयल डालना है। जैसे कोकोनट आपको कितना लेना है, एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया, क्योंकि आप चाहे तो पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए भी है ये। क्योंकि हमारी स्किन पूरी, हमारे हाथों की स्किन, पैरों की स्किन, ये सारी ड्राई होने लग जाती है। तो एक जैसे कि आप जितना क्वांटिटी में आपको ज़रूरत पड़े वो बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको कोकोनट ऑयल ले लिया। उसी के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल, ज़्यादा नहीं, दो आपको विटामिन ई के कैप्सूल लेना है। और उसी के साथ साथ आपको एक चम्मच ग्लिसरीन डालनी है। इन तीनों को अच्छे से वो मिक्स हो जाए, उसके बाद में उस कटोरी को उस पानी से निकाल लो। मतलब पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए यह ध्यान रखना, बस गर्म पानी के अंदर उस कटोरी को रखना है। जैसे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन आपको लगाना कब है, जैसे दिन में नहीं लगाना, क्योंकि दिन में लगाने से आपकी स्किन क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगी। तो दिन में आपको नहीं लगाना, रात को सोते टाइम आपको वो लगाना है। पूरी बॉडी पे अच्छे से आप मसाज करते हुए आप लगा सकते हो। नेक्स्ट डे जब आप उठो तो आपको नहाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल हो जाएगा ना, तो आप वो लगा के नहा लेना सुबह उठ के। तो आप ये करो, आपकी जो ड्राई स्किन है ना वो देखना कि कैसे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम मुलायम मुलायम रहेगी। ये फॉर्मूला ना बहुत ही अच्छा है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा। आप ये यूज़ करके देखो, आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ना
वो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ यूज करो, भूलना मत। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। राइट वाले बटन पे क्लिक करो और शेयर कर दो। अभी के लिए बाय बाय।